बड़ी खबर इस वक्त पलामू से आ रही है, जहां घुसखोर अधिकारी एसीबी के हत्थे चढ़ाए। जी हां, रणधीर कुमार 4500 रुपये घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। राजहरा कोलियरी के कार्मिक विभाग में सहायक के पद पर पदस्थापित हैं। लोन स्वीकृति के नाम पर ये घूस ले रहे थे और इसी वक्त एसीबी ने उन्हें धर दबोचा। रणधीर कुमार नाम है इनका और राजहरा कोलियरी के कार्मिक विभाग में सहायक पद पर पदस्थापित है, लेकिन रिश्वतखोरी करते हुए रंगे हाथों धर दबोचे गए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इन्हें धर दबोचा और अब पूरे मामले की पड़ताल भी चल रही है। तो रणधीर कुमार 4500 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। राजहरा कोलियरी के कार्मिक विभाग में सहायक के पद पर पदस्थापित हैं। लोन स्वीकृति के नाम पर ये घूस लिया जा रहा था, घूस की मांग की थी उन्होंने। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी संतोष से, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, पहले से क्या शिकायतें मिल रही थी कि लोन स्वीकृति के नाम पर अक्सर इस तरह की डिमांड की जाती है, चढ़ावे की मांग की जाती है और आखिरकार जब मामला सामने आया तो आज उनकी गिरफ्तारी भी हो गई? जी, निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि शिकायतें जो है लगातार जो मिलती रही होंगी। बता दें कि ये जो मामला सामने आया है वो व्यक्तिगत लोन जो होता है वो लोन लेने के लिए ये आवेदन दे रखे थे, उसके एवज में जो है घूस की डिमांड की जा रही थी, जिससे जो पीड़ित है जो जिनको लोन लेना था वो बेचारे वो दे नहीं पा रहे थे या सक्षम नहीं थे या देने से इनकार किया। उन्होंने एसीबी में इसकी शिकायत की, जिसके बाद जो है सीबीआई एसीबी जो टीम है वो उन्हें घूस देते हुए रंगे हाथ जो है गिरफ्तार कर लिए। जी चलिए संतोष, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।